हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ नेल्स इन डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में फर्स्ट है ब्यूज लाइन तो ब्यूज लाइन क्या है ट्रांसफर्स डेंट और नेल्स ध्यान रखिएगा ये ट्रांसफर्स डेंट है कहाँ मिलता है सरासिस और जिंक डेफिशिएंसी के अंदर जस्ट इसका अपोजिट हो गया कोयलोनिकिया ये स्पून शेप्ड नेल्स है और ये वर्टिकल लाइन है ठीक है ये मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है जैसे कार्सिनोमा है या कोई ब्लड लॉस है या जी का कोई डिसऑर्डर है तो वहाँ पर कोयलोनिकिया मतलब स्पून शेप्ड नेल्स मिलेंगे ये वर्टिकल लाइन है नेक्स्ट है ग्रीन नेल्स ये है शिडोमोनास इन्फेक्शन के अंदर नेक्स्ट है ब्लू नेल्स ये है एंटी मलेरियल ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से और दूसरा वेल well नॉन है विल्सन्स डिजीज आप जानते हैं कॉपर डिपोजिशन ठीक है उसी को कहते हैं हम लोग विल्सन्स डिजीज नेक्स्ट है रेड नेल्स मिलता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इसी को सी एच एफ भी कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक है ओ ये बड़ा अच्छा है इन्फ्लामेशन ऑफ नेल बेड ओनाइकिया इन्फ्लामेशन ऑफ नेल बेड इससे मिलते जुलते वर्ड्स भी अब आगे हम देखेंगे तो ये है ओनाइकिया ओनाइको ग्राइफोसिस क्या है इसी को हम लोग रैम्स हॉर्न नेल भी कहते हैं जैसे कोई आ, मेल शीप जिसको मेंडा भी कहते हैं वैसे यहाँ पर जो उसका आ, नेल है वैसा कर्व्ड हो जाएगा और थिकंड है तो थिकंड कर्व्ड नेल को ही हम कहते हैं ओनाइको ग्राइफोसिस जनरली ये जो ग्रेट टोनेल है उसको इन्वॉल्व करता है उसको अफेक्ट करता है नेक्स्ट है लाइसिस तो ये है सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड ये ध्यान रखिएगा लाइसिस सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड पैरोनिकिया यह है सब अंगल इन्फेक्शन आयुर्वेद में इसी को चिप रोग भी कहते हैं तो यह है सब अंगल इन्फेक्शन मतलब जो नेल बेड के नीचे जो फ्लैश है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है दैट इज पैरोनिकिया तो ये जो सब अंगल वर्ड है जनरली हम इसको दो जगह पढ़ते हैं पहला तो हो गया पैरोनिकिया के संदर्भ में और दूसरा होता है ग्लोमस ट्यूमर तो जो ग्लोमस ट्यूमर है वो भी सब अंगल रीजन में होता है तो ध्यान रखिएगा सब अंगल रीजन हम जनरली दो ही जगह पढ़ते हैं पैरोनिकिया और दूसरा है ग्लोमस ट्यूमर जो कि ग्रेट टू जो नेल बेड है वहां पर मिलेगा सबंगल रीजन के अंदर नेक्स्ट है मीज लाइन ये मिलता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर मीज लाइन और नेक्स्ट है बार्टन्स ब्लू लाइन ये मिलता है लेड पॉइजनिंग के अंदर तो ध्यान रखिएगा लेड पॉइजनिंग में है बार्टन्स ब्लू लाइन और आर्सेनिक में था मीज लाइन थैंक यू फॉर वॉचिंग